please surround me with your energies. Dear angels, guide me while I give guidance to my fellow beings. Angels, जानते हैं angels कौन होते हैं? हाँ जी, angels फरिश्ते होते हैं, जो हर वक्त हमें राह दिखाते हैं, हमारी मुश्किलों को आसान करते हैं। मैं हूँ आपकी अपनी शबाना शर्मा। आज आपके लिए 2020 के लिए एंजल मैसेजेस लेकर आई हूँ, एंजेलिक रीडिंग्स लेकर आई हूँ। ये है हमारे एंजल कार्ड्स, यानी कि हमारे गाइडेंस, जो कि हमें ये बताएंगे कि आने वाला साल 2020 हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है और हम किस तरह से अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं, सारी खुशियां हासिल कर सकते हैं, किस तरह से ऑब्स्टिकल्स को दूर कर सकते हैं। ये हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी भर देंगे। ये है हमारे एंजल कार्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं हमारे लिए 2020 में एंजल्स क्या संदेशा लेके आए हैं, वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं और हम कैसे अपनी लाइफ को प्रॉस्पर बना सकते हैं, सक्सेसफुल बना सकते हैं, खुशियां बटोर सकते हैं। इससे पहले कि मैं ये एंजेलिक मैसेजेस आपके सामने लेकर आऊं, आप ये जान लीजिए कि आपको किस तरह से जानना है कि कौन सा मैसेज आपके लिए है, आपका डेट ऑफ बर्थ या फिर वेस्टर्न ज़ोडियक के अकॉर्डिंगली राशि आप अपनी चूज कर लीजिए, या फिर जैसे भी अगर आपकी कोई एस्ट्रोलॉजिकली लग्न कुंडली है, आप लग्न कुंडली के लिए अकॉर्डिंगली देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट राशि के और हमारी नेक्स्ट राशि है लियो, जिनका जन्मदिन अगस्त के महीने में आता है। देखिए एंजल्स 2020 में उनके लिए क्या संदेशा लेके आ रहे हैं। तो कार्ड्स प्लीज मुझे बताइए, एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करिए कि लियोस के लिए आप क्या मैसेज लेके आ रहे हैं। तो हमने ये कार्ड निकाला उनके लिए। ओहो, उनके लिए कार्ड आया है बॉडी मूवमेंट, यानी यकीनन आप बिल्कुल भी अपने शरीर को ज़्यादा चलाते नहीं हैं, सुस्ती से चल रहे हैं, थोड़े से लापरवाह हैं। तो एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि अपनी सेहत की तरफ ध्यान रखिए, अपने शरीर को थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, क्योंकि आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं जिनको कि निकालना बेहद ज़रूरी है। आपको अपनी सेहत की तरफ ध्यान देना होगा, अपना चेकअप कराना होगा, मॉर्निंग वॉक करना होगा और हरी हरी घास पे अर्ली इन द मॉर्निंग आपको चलना होगा और अपनी सेहत की तरफ हर चीज़ को आपको ध्यान देना होगा। बिल्कुल भी किसी भी तकलीफ को आप नज़रअंदाज मत करिएगा। इवन अगर आपको हल्का सा सर में दर्द भी हो, उसको भी आप ध्यान से और सही समय पे सही मेडिकेशन के साथ उसका इलाज ज़रूर करिएगा। बॉडी मूवमेंट कहता है कि आलस को छोड़िए, टॉक्सिन्स को निकालिए और चल बढ़िए। और ज़िंदगी में आपको कुछ इस तरह की चुनौतियाँ भी सामने आने वाली हैं, चैलेंजेस भी सामने आने वाले हैं, जिनको आपको डट के आपको उनका मुकाबला करना है। आलस करेंगे, बैठ जाएंगे तो जंग लग जाएगा। चलते रहिए, शरीर को चलाते रहिए। इसके लिए मैं आपको सलाह दूंगी कि सुबह सुबह सूर्य नमस्कार आप ज़रूर करिए, सूर्य को जल ज़रूर दीजिए और हरी हरी घास पर आप नंगे पैरों से चलिए, जिससे कि आपका सेहत, आपकी आँखें, आपका चित, आपका मन, आपके इमोशंस, हर तरह से आपको हीलिंग प्रदान होएगी। तो ये था लियो राशि वालों के लिए। अगर आप एंजल्स के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि एंजल्स के साथ कैसे संबंध कायम करा जा सकता है, एंजल्स के साइंस और सिंबल्स क्या हमें शो कर रहे हैं, उनके क्या मैसेजेस हैं, तो उसके लिए आपको मुझे कांटेक्ट करना होगा। आप मुझे फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज दीजिए और आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। इन एंजेलिक मैसेजेस को आप फॉलो करते रहिए और खुशियाँ बटोरिए, प्रॉस्पर होइए, सक्सेसफुल होइए, अपनी जिंदगी में ब्लेस खोलिए। ऑल ऑफ यू स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच।